माधुरी दीक्षित को शादी से पहले करना पड़ा नो प्रेगनेंसी क्लॉज साइन। अक्सर देखा जाता है कि फिल्म एक्ट्रेस जब शादी कर लेती हैं तो उनका करियर खत्म हो जाता है। बहुत ही कम एक्ट्रेस ऐसी हैं जो शादी के बाद भी अच्छी फिल्में कर रही हैं। फिल्म निर्देशक को डर लगता रहता है कि इस बीच अगर एक्ट्रेस प्रेग्नेंट हो गई तो उनके प्रोजेक्ट का क्या होगा। इसी वजह से निर्देशक अभिनेत्रियों से नो प्रेगनेंसी क्लॉज साइन कराते हैं। इसके तहत कोई भी एक्ट्रेस जो प्रोजेक्ट में काम कर रही है वो इस बीच प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। अगर वो प्रेग्नेंट होती है और प्रोजेक्ट छोड़ती है तो उसे अच्छी खासी रकम निर्देशक को देनी पड़ती है। विद्या बालन और ऐश्वर्या राय ने भी नो प्रेगनेंसी क्लॉज साइन किया था। वैसे देखा जाए तो इसमें निर्देशकों को भी गलती नहीं है। प्री प्रोडक्शन के वक्त हीरोइन के लुक और कॉस्ट्यूम्स पर अच्छा खासा पैसा खर्च होता है और हीरोइन के प्रेग्नेंट होने पर फिल्म मेकर्स को नुकसान उठाना पड़ता है। मधुर भंडारक की फिल्म हीरोइन में ऐश्वर्या की जगह करीना ने ऐश की प्रेगनेंसी की वजह से ही ले ली थी। उस वक्त मधुर भंडारक को 4 करोड़ का नुकसान हुआ था। सत्ती पे सत्ता फिल्म के दौरान अभिनेत्री हेमा मालिनी भी प्रेग्नेंट हो गई थी। यही वजह है कि फिल्म मेकर्स रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और अभिनेत्रियों से शादी के बाद नो प्रेगनेंसी क्लॉज साइन कराया जाता है। माधुरी दीक्षित को कुंवारी होते हुए भी नो प्रेगनेंसी क्लॉज साइन करना पड़ा था। जी हाँ, माधुरी एक स्टार्टर उस वक्त चरम पर था कि उनके रिलीज होने वाला लगभग हर फिल्म हिट ही हो जा रही थी। यहाँ तक कि माधुरी और संजय के साथ में आई हर फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखा रही थी। निर्माता निर्देशक भी माधुरी की इस पॉपुलैरिटी को खूब भुना रहे थे, लेकिन संजय और उनके बीच जिस तरह की नज़दीकियाँ देखने को मिल रही थी उससे फिल्म मेकर्स के बीच अजीब सा डर बैठा हुआ था। उन्हें लग रहा था कि कहीं इस बीच माधुरी ने शादी कर ली या वो प्रेग्नेंट हो गई तो संजय दत्त उस वक्त शादीशुदा थे, लेकिन उनकी पत्नी उन दिनों विदेश में थी। ऐसे में संजय दत्त और माधुरी ज्यादातर साथ वक्त बिताते और घंटों साथ रहते। दोनों के अफेयर की चर्चा बॉलीवुड की गलियारों में आम बात थी और इसी को देख निर्देशक सुभाष घई के कान खड़े हो गए। फिल्म खलनायक में वो माधुरी के साथ काम कर रहे थे। सुभाष घई को लगा कि अगर उनकी फिल्म के बीच में ही माधुरी ने शादी कर लिया या फिर वो प्रेग्नेंट हो गई तो फिल्म बीच में ही रुक जाएगी। यही सोचकर सुभाष घई ने माधुरी से नो प्रेगनेंसी क्लॉज साइन करवाया।